अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, टूर्नामेंट्स वगैरह तो हमारे चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह हर महीने, और हम लोग 1200 यूसी गिव अवे करते ही रहेंगे। तो बाकी है कि मैं अपनी गेम प्ले की वीडियो भी डालूंगा, क्योंकि कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे से। तो वैसे तो 5 महीने बाद गेम खेल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छी गेम नहीं है लेकिन मज़ा आएगा, इतनी बुरी गेम भी नहीं है। पहली गेम में मैंने चिकन डिनर निकाला और मैंने कैसे सरवाइव किया ये आप लोग बस देख ही लें। गन वगैरह कुछ नहीं थी, एक खाली पिस्टल थी मेरे पास। ये देखें रोज़क में यहाँ पे उतरे हैं। अच्छा, मैंने स्पीड थोड़ी इसलिए तेज़ कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पिस्टल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और मेरा साथ वाला जो वेयर हाउस था उसके अंदर बंदा था, और जो नीचे वाले 3 घर थे रोज़क वाले उसमें भी बंदे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बैक स्टेप ले लें, तो मैं थोड़ा पीछे गया, वो बंदा आ रहा था, ठीक है। मुझे उसकी हेयरिंग आई तो मैं समझा मेरी तरफ आएगा, पिस्टल से ट्राई करूंगा, लेकिन वो नहीं आया, वो घर में घुस गया। मुझे ये बोट दिखा तो मुझे हौसला हुआ, मैंने कहा चलो इसको मारते हैं, इससे गन मिलेगी। तो पहले मैंने रुक के देख लिया कहीं कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा या कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब मैंने देखा कि कोई नहीं है तो मैंने कहा लूटो। अब लूट कर हम लोग एंट्री मारेंगे। हमारे पास मिनी आ चुकी है और शॉटगन आ चुकी है, जो कि अच्छा खासा गुजारा कर सकती हैं। आपको पबजी में हर गन चलानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हर गन चला सकते हो तो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे खुद को बचा सकते हो। अब यहाँ पे ये सामने वाली छत पे 2 बंदे घूम रहे थे, मेरा दिल था इनके साथ पंगा लूँ। मैं देख रहा था, मौका ढूंढ रहा था, ओके मुझे मिला मौका और ये हुआ नॉक। लेकिन ये फुल नहीं हुआ यार, पता नहीं क्यों आगे चला गया था ये। मेरे ख्याल में बिल्कुल डाउन हो गया होगा जिसने जिस टाइम उसने रिवाइव दिया ना। मैंने कोशिश की थी बट कोई चांस नहीं भाई, और ये रिवाइव हो जाता है। इन दोनों को मैं बाद में मारता हूँ, अभी इनका टीममेट मेरे ऊपर रश कर देता है, ठीक है। और मैं पहले तो सोचता हूँ कि यहाँ से उसको दूँ मिनी से, लेकिन मैंने कहा नहीं, उससे इतना कोई डैमेज होगा नहीं, क्लोज रेंज जाने तो मैं शॉर्ट रेंज से दूंगा। जब मैंने देखा वो घर में घुस गया तो मैंने उस पर रश कर दिया, क्योंकि आप लोग ऐसे घर में क्लोज रेंज में शॉटगन बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो अब यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट था जिसका मैंने फुल फ़ायदा उठाया, ठीक है। और ये गया, अब इससे मुझे AKM तो मिली लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15 गोलियाँ थी, और M16A4 मिल गई, ये थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा चलो हल्का फुल्का जो बैंडेज मिले हैं वो लगा के अब इन पे रश करते हैं, ये जो नीचे वाले हैं। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि वो लोग मेरे पे रश करेंगे, लेकिन उन्होंने जब नहीं किया तो मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से तो बचत हो गई, आ गया मैं, लेकिन यहाँ उनका एक बंदा नीचे छलांग लगाता है और मैं बच जाता हूँ, और फिर मैं जब उस पर रश कर करने जाता हूँ तो वो बच जाता है, वो ऊपर चला जाता है। तो मैंने कहा मैं ऊपर गया तो 2 बंदे गन्स लगा के खड़े हुए होंगे और मेरे पास गन भी कोई नहीं है, तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं 7 वाले घर में आ जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ से कोई हल्का फुल्का ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं थी जिससे मैं उन लोगों पर अन्ना रश कर सकूँ। मैंने कोशिश यही करनी थी कि थोड़ा बच बचा हो जाए मेरा। मुझे लग रहा था ये बंदा यहाँ नॉक हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। अब AKM की बिल्कुल गोलियाँ नहीं थी तो मैंने शॉटगन उठाई, और मैं पीछे है तो यहाँ एक और बंदा था। ये बंदा शायद मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था, क्या कर रहा था, फिर इसने गन हाथ में पकड़ी तो मैंने कहा चलो ये तो लो ना, इसे मार दूँ। यहाँ पर एक बोर्ड भी आ जाता है तो मैं बोर्ड को भी हाथ मार देता हूँ। अब मुझे पता था इस बंदे के पास गन है, तो मैं फ़ौरन से भागा पीछे की तरफ। मैंने कहा गन पकड़ो पहले। अब यहाँ मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो लोग सामने से मुझे मार भी ना दे, लेकिन लूट भी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ वो लोग फायर करते हैं, पता नहीं किस पे करते हैं, मेरे पे या किसी और पे। अब हम लोग उन पे रश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब M762 आ गई है जो कि अच्छी खासी चलती है। मैंने देखा, मैंने कहा शायद यहाँ से कोई एक आधा नाक हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने चांस नहीं दिया। अब यहाँ पे वो लोग भी थक चुके होते हैं बेचारे, और वो लोग मेरे पे रश करने का सोच रहे होते हैं।
बच गया यार, बच गया, फिर से बच गया। अब ये रश करेंगे, अब ये रश करेंगे। इसको यहाँ से मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और फिर मैं इससे रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं इसे डैमेज दे चुका हूँ। तो ये तो गया, ये दूसरे ने मेरे पे रश करना है और ये गया दूसरा। अब मैं यहाँ बैंडेज लगा के इनकी लूट शूट करके निकल रहा होता हूँ ना, तो मुझे शक होता है सामने कोई बंदे हैं, तो इतने में उधर फायर होता है और मुझे यकीन हो जाता है। तो मैं कहता हूँ चलो फिर हम इन पे रश ठोकते हैं, कुछ ना कुछ तो हो गई। असल में इस वक्त मुझे ना अपनी गेम पे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बात कह रहा हूँ और मुझे पता नहीं था मेरे हाथ कैसे चलेंगे या क्या होगा। लेकिन पहली गेम में चिकन डिनर हो गया। अभी इस बंदे को मैं सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देख लेता हूँ। तो एक ही नेड होता है मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ कि नेड ऐसा होना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा हो मुझे, फजूल का नेड नहीं करना मैंने। और वही हुआ, नेड से एक बंदा डाउन, ये दो होते हैं और ये दूसरा गया लास्ट। ये बोट मुझे तंग कर रहा है। अच्छा अब यहाँ से दोबारा हम इनकी लूट करेंगे, तो लूट वाला एरिया मैं अंदर से स्किप कर देता हूँ। और ये यहाँ जब मैं लूट कर रहा होता हूँ तो सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिख रहा है, तो मुझे लगा था वो नॉक हो जाएगा लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने क्या सोचा रश कर दूँ। मेरी ये बड़ी एक बुरी आदत है कि मैं किसी को थोड़ा मारते ही जाता हूँ ना, तो मैं उस पर रश ठोक देता हूँ। अब आगे वो पूरा स्क्वाड भी हो सकता था लेकिन मैंने कहा रश ठोको। जब रश ठोक रहा हूँ तो मुझे पीछे से हेयरिंग आ गई, मुझे डर लग रहा है मुझे दोनों साइडों से पड़ेगी। लेकिन शुक्र है पीछे बोट था तो उसको मैंने पहले ख़त्म किया। फिर अब ये लोग दो होते हैं, पूरा स्क्वाड नहीं होता, वो तो इतने इतने खेलने वाले भी नहीं होते, इसलिए मेरी बचत हो जाती है। वरना जिस तरह वो पीछे से बोट भी आ गया था और मैंने ओपन में रश कर दिया तो मैं मर सकता था। अब इन लोगों को भी मारने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ, क्योंकि गाड़ी नहीं होती तो पैदल ही मेरा दिल था स्कूल की तरफ ही, वो इधर उधर देखें। लेकिन यहाँ पर अचानक ही मुझे लेफ़्ट साइड से फायर की आवाज़ आती है, तो इनका वो हिसाब है, आ बैल मुझे मार। तो मैंने कहा ओके भाई आते हैं। अच्छा मैं यहाँ से थोड़ी स्किप कर दूँ ताकि वहाँ तक भागते भागते कहीं आप लोग सो ना जाएँ। तो अब ये पहुँच गए हैं हम लोग इनके पास। ये भी दो बंदे होते हैं, इनके भी दो बंदे पहले ही मर चुके होते हैं, ठीक है। अब ये बंदा पता नहीं किस चक्कर में, लेकिन ये गया। और मैंने बताया मेरी बुरी आदत के बारे में, मैं जब एक नॉक कर देता हूँ या एक को मारता हूँ तो मैं अन्ना रश करता हूँ। और आगे से यहाँ से मैं जा सकता था लेकिन इस बंदे ने थोड़ी जल्दी की और खिड़की से नीचे जंप कर दिया, तो बचत हो गई मेरी। उसके बाद लास्ट बंदा मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर मैं ड्रॉप टू ड्रॉप गया, क्योंकि इतना बड़ा मैप था और सिर्फ हम दो बंदे रह गए थे, ठीक है। फिर मैं ड्रॉप टू ड्रॉप गया और यहाँ मैंने उसका थोड़ा वेट किया लेकिन वो नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है हम ही फिर गाड़ी पे कहीं उसे ढूंढने चलते हैं। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मुझे उसकी गाड़ी नज़र आ जाती है, तो फिर मैंने कहा अब मज़ा आएगा। और मैंने जो AWM उठाई है उससे मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ उसने कुछ फायर किए थे लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगे। और मैंने कवर में खड़ी की, कवर में इसलिए खड़ी की, ये तो गया, कवर में इसलिए खड़ी की, मैंने कहा हो सकता है मुझे उस पर रश करना पड़ जाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है, तो यहाँ से ही मर गया था। तो इसके बाद मैंने एक और मैच लगाया, तो मैंने कहा कि लक अच्छा चल रहा है तो चलते हैं मिल्टा में भी चलते हैं। इसमें भी अच्छी खासी मेरी गेम चल रही होती है लेकिन एक अरबी कैंपर मुझे टक्कर जाता है जो कि मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं पहले देख लेता हूँ ऊपर से कि इधर उधर कोई बंदे है तो नहीं, नहीं है, चलो ठीक है ये वाला एरिया क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग आराम सुकून से लूट करेंगे और लूट करने के बाद यहाँ पे दो स्क्वाड आ जाते हैं और ग्रेनेड्स वगैरह करते हैं, कुछ मेरे पे कर रहे होते हैं कुछ आपस में कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि बस ठीक है रश करो भाई, खैर ही है कुछ तो होगा। अब ये वाला बंदा मैं मिस कर देता हूँ, मुझे लगा ये मेरी तरफ रश करेगा लेकिन वो उधर जनाब सीधे ही चले गए। मुझे थोड़ी पड़ती है लेकिन वो कोई दूर वाला मार रहा होता है, इनका कोई साथी होता है जो भी।
अब मैं पेन किलर लगा रहा हूँ, ये देखो ये लूट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी लूट करते हैं। ये मेरा पेन किलर देखना, मुझे पड़ रही होती है और मैं पेन किलर पी रहा हूँ। ये देखो ये कैंसिल ही नहीं हुआ, यहाँ पर मैं जा सकता था, अब इन लोगों ने मेरे पे रश कर दिया तो ये वाला स्क्वायर हो गया। बाय बाय, ये एंड वाला मुझे ले अच्छा खासा गया था लेकिन बचत हो गई। ठीक है, अब ये वाले स्क्वायर को क्लियर करके मैं ये सी हाउस में आता हूँ। यहाँ पे अच्छी खासी फाइट चल रही होती है और मैं बड़े मूड में आता हूँ ये सारा एरिया क्लियर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बंदा होता है जो बिल्कुल हेयरिंग दे ही नहीं रहा होता, एक जगह पर रुका हुआ होता। ये देखो इसकी कोई हेयरिंग नहीं आ रही, ये बंदा बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ठीक है, एक जगह पर खड़ा हुआ है, अरबी है और मुझे ले गया। तो मुझे फिर एंगल पे गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा अब सैनोक ट्राई करते हैं। यार छोड़ो, इतनी अच्छी गेम जा रही थी, ये कहता ऐसा कैंप या कैंपर हो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी कैंपर ना हो कि बिल्कुल ही वो हिले जुले ही ना हो और एक जगह खड़ा हो जाए तो पता ही नहीं चला कोई बंदा है या नहीं। ये वाले कैंपर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं बूथ कैंप में। बूथ कैंप जो कि मेरी फेवरेट जगह हुआ करती थी सोलो वीएस स्क्वाड में, तो आज दोबारा यहाँ पे उतरते हैं हम लोग। वैसे तो मैं मेन बिल्डिंग पे जाता हूँ या फिर ये मेरा सेकंड ऑप्शन है ये वाली जगह, तो आज मैंने कहा कि पहला दिन है तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, मेन बिल्डिंग पे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला बंदा तो मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन तभी मुझे लास्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। चलो ये तो मिस नहीं करने, किन चक्रों में होता है, लेकिन जिन चक्रों में भी होता है गया। अब ये देखो ये कपड़े उतार के पता नहीं किन चक्रों में है भाग रहा है, लेकिन किधर भाग रहा है किस तरफ भाग रहा है कोई पता। अब यहाँ वो साइड से मुझे फायर आ रहे होते हैं, तो मैं नाक करता हूँ और बहुत मजा आ जाता है। एक तो नाक हो गई, यहाँ मेरी रीलोडिंग लग जाती है, वो बच गया। ठीक है, और ये जो नॉक किया हुआ है इसका मेरा किल चोरी हो जाता है, तो मैं इन लोगों पर रश कर नहीं लगता हूँ, लेकिन इससे पहले ये लोग मेरे पे रश कर देते हैं। इनका स्क्वाड आगे आ चुका होता है, उन्होंने मोली फेंकी, मैं बचा, उन्होंने रश कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर थोड़ी सी जल्दी कर गया, मैं एक सेकेंड में और लेट हो जाता तो मैंने ये जो पीछे वाला था पहले इसे ले जाना था फिर दूसरे को ले जाना था, तो मैंने एक और लगा दी। और जब ये वाली लगाई तो मैंने ये जो थंबनेल मैंने लगाया हुआ है ये पैराशूट देख के मैं तो दंग रह गया। तो लास्ट गेम में तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला यार। ये देखो यार, ये देखो सालों ने गन भी नहीं उठाने दी, और ये लो जी। इसके बाद तो मैंने कहा भाई अब कल ही खेलते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के टूर्नामेंट में, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.